तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष सीएससी इन्फो पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहां पे देने वाला हूं, तो वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है क्योंकि ये वीडियो आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि अगर यहां पे आपका प्रेफरेंस नोट सिलेक्टेड आ रहा है जो कि हर एक के फॉर्म में आएगा, सेकंड जो ऑप्शन है, देखिए काफी बच्चों का भी मेरे पास सवाल आया है कि उनके जो कोर्सेज हैं वो पीजी में, लाइक मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे मैंने कोई भी प्रोग्राम अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, जो भी किया था मैंने डिलीट कर दिए। फिर भी देखिए यहां पे जब आप पीजी के कोर्सेज में जाओगे तो यहां पे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन आपको यहां पे शो नहीं होंगे। लाइफ साइंस ग्रुप का एक ऑप्शन आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप प्रोस्पेक्टस में चेक करोगे तो वहां पे आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा एक एमसीए का ऑप्शन आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा, एमसीए का कोर्स आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा, तो आपको वो कैसे चूज करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक मान लीजिए अगर हमें करना है, मान लीजिए हमें एमसीए ही करना है, तो एमसीए आपको यहां पे कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए कंप्यूटर साइंस में आता है एमसीए, आपका एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले कंप्यूटर साइंस ग्रुप सिलेक्ट यहां पे करना है। अब देखिए यहां पे आपका कंप्यूटर साइंस ग्रुप आ चुका है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई और वेटेज आपके पास, अगर स्पोर्ट्स का है, एनसीसी का है, एनएसएस का है, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे दे सकते हो, अगर है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको क्लिक है टू सेव पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका कोर्स यहाँ पे जो अप्लाई है वो हो चुका लेकिन अभी तक हमने एमसीए सेलेक्ट नहीं किया, तो देखिए अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कोर्स सेलेक्ट हो चुका है, फीस का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ऊपर क्लिक है टू फिल योर काउंसलिंग प्रेफरेंस फॉर एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आपने दो या तीन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है तो प्रेफरेंस का आप जो मैंने ऑप्शन दिखाया था आपको वहां भी सेम यही प्रोसेस करना है, आपको प्रेफरेंस पर यहाँ पे क्लिक करना है। अब और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने एक पेज खुल गया है, तो जहां पे आपका जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया था, लाइक कंप्यूटर साइंस ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे शो करेगा आपको। अब यहाँ पे प्रोग्राम में आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, एमएससी कंप्यूटर साइंस करना है या फिर आपको एमसीए टू ईयर का कोर्स यहाँ पे करना है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मेरे को एमसीए करना है तो मैं यहाँ पे एमसीए सेलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूट या कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं जैसे इसको ऐड करूंगा तो यहां पे मेरा ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पे पहले से ऐड किया हुआ है तो इसलिए मेरा वहां पे शो नहीं कर रहा। जैसे आप एमसीए टू ईयर पे क्लिक करोगे तो यहां पे डिपार्टमेंट आपको शो कर देगा, डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट करके ऐड करोगे तो आपका कोर्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वन बाय वन आपको ऐसे ऐड कर लेने हैं। देखिए जैसे मैंने एमसीए टू ईयर का प्रोग्राम किया है, उसके अलावा मैं एमएससी करना चाहता हूँ तो मैंने कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे ऐड कर लिया, तो दोनों ऑप्शन मेरे यहाँ पे दोनों जो कोर्स है वो यहाँ पे शो कर देगा। आपने और भी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया होगा तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। आपको इसी तरह से वो ऐड करने होंगे कि आप कौन से कोर्स ग्रुप को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, कौन सा कोर्स आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो इस तरह से आपको कोर्स अपना अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद अब देखिए इसकी फीस हम अगर हम सबमिट करके देखते हैं तो देखिए ये मेरा कोर्स है, और यहाँ पे अगर पेमेंट पे मैं क्लिक हेयर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा पेमेंट का जो ऑप्शन है जो प्रेफरेंस का आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, प्रेफरेंस नोट सिलेक्टेड का ऑप्शन अब मेरे पास नहीं है, मेरी प्रेफरेंस जो वो सिलेक्ट हो चुकी है, अब मेरे यहाँ पे फीस का ऑप्शन आ चुका है। अब फीस में काफ़ी बच्चों को डाउट है कि वो बोलते हैं कि यार जब हम डिक्लेरेशन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कन्फर्म करने के बाद दोबारा से हम इसी पेज पर आ जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप कन्फर्म करोगे, कंफर्म करने के बाद आप दोबारा से इसी पेज पे आ जाओगे लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रिलोड हो रहा है, आपको सिर्फ वेट करना है, और वेट करने के बाद 10 या 15 सेकंड के बाद ये अपने आप पेमेंट वाले सेक्शन पर चला जाएगा, तो यहाँ से अब आपको पेमेंट अपनी कर लेनी है। तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। प्रेफरेंस का मैंने आपको बता दिया है कैसे आपकी प्रेफरेंस सेलेक्ट होगी, कैसे आप अपना कोर्स चूज कर सकते हो, वो वाला कोर्स जो आपको पीजी की लिस्ट में वहाँ पे शो नहीं करेगा। लाइक मान लीजिए अगर हम बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, लाइक मान लीजिए हमें करना है लाइफ साइंस ग्रुप का अगर कोर्स करना है हमें, तो देखिए यहाँ पे आपको लाइफ साइंस ग्रुप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके दोबारा से आपको सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद दोबारा से हम काउंसलिंग में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस ग्रुप भी दिखा रहा है और लाइफ साइंस भी। जैसे कंप्यूटर साइंस का हमने प्रोसेस कर लिया है, सेव कर दिया उसको, अब हम सिलेक्ट करेंगे लाइफ साइंस ग्रुप। अब लाइफ साइंस में आप कौन सा कोर्स यहाँ पे करना चाहते हो, लाइक एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो या फिर बायो केमिस्ट्री करना चाहते हो, जो भी आप कोर्सेज यहाँ से करना चाहते हो, आपको ये कोर्सेज वहाँ पे शो नहीं करेगा, आपको ये कोर्सेज यहाँ पे ही शो करेगा। तो मान लीजिए आपको कोई भी कोर्स करना, लाइक मान लीजिए मेरे को एमएससी जियोलॉजी करना है, बॉटनी करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट अपने आप उठा लेगा। अगर इसके अलावा और ऑप्शन होंगे तो वो भी यहाँ पे शो कर देगा, अगर सिंगल ऑप्शन होगा तो सिंगल ऑप्शन अपने आप यहां पे उठा लेगा, आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है। उसके बाद यहां से आपको अपनी फीस पे कर लेनी है। फीस में देखिए अब यहां पे कोई एरर आपको नहीं मिलेगा, सेम आपका प्रोसेस फीस का रहेगा। तो ये मैंने वीडियो आपको प्रॉपर्ली बता दिया, प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करना है, आपको आपको जो कोर्स वहां पे शो नहीं हो रहेंगे वो कोर्स आपको यहां पे शो कैसे करेगा, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी।
सो वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे काफी सारी अपडेट्स आपके लिए मैं चैनल पर लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। एमडी एडमिशन से रिलेटेड, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, जो भी अपडेट आएगी वो सारी अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।